बिस्मिल्लाह। अब आज के इस वीडियो से हम शुरुआत कर रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, जो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन क्या होती है? टू और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स अ न्यू केमिकल कंपाउंड, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ, ये अगर वाटर है, इसको हम फ्रीज करते हैं 0 डिग्री पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आइस बन जाता है। ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब वाटर भी H2O होता है फॉर्मूला, आइस भी H2O होता है, लेकिन फिजिकल ये चेंज हो गया, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। तो ये फिजिकल चेंज जो होता है इसको यहाँ पर फिजिकल जो है रिएक्शन हम कहेंगे यहाँ पर। और जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंज जो होता है, इसमें फॉर्मूला सेम नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ CH4, तो CH4 होता है मीथेन। अगर CH4 में हम क्लोरीन यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है Cl से और ये बन जाता है CH3Cl, और जो H निकला है वो Cl के साथ बनाता है HCl। तो यहाँ फॉर्मूला था CH4, यहाँ पर है CH3Cl, तो केमिकली ये चेंज हो गया, तो इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। अब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ये मीथेन और क्लोरीन, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट, और जो हमको मिलने वाले होते हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। ओके, और रिएक्टेंट्स में भी जो पैसिव पार्ट होता है, पैसिव, उसको कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो एक्टिव पार्ट होता है, जो अटैक करता है, जैसे यहाँ क्लोरीन ने अटैक किया है मीथेन के ऊपर, उसको कहा जाता है रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या होता है? एक्टिव पार्ट, और पैसिव पार्ट होता है सबस्ट्रेट। जो मिलता है हमको प्रोडक्ट होता है। अगर बाय चांस यहाँ प्रोडक्ट में हमको और कोई दूसरा प्रोडक्ट मिले, उसे कहा जाता है बाय प्रोडक्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर सवाल आता है मैकेनिज्म का, कि मैकेनिज्म किसको कहते हैं? तो मैकेनिज्म में जो बेसिकली तीन चीज़ें होती है। मैकेनिज्म टर्म के अलग अलग जगह अलग अलग माना होते हैं, इंजीनियरिंग में अलग रहेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अलग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अलग होगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैकेनिज्म है उसका मतलब क्या होता है हम यहाँ पर देखते हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप देखेंगे इट इज़ अ सीक्वेंस अकाउंट ऑफ ईच स्टेप। रिएक्शन में जितने स्टेप्स होते हैं, कुछ 1 स्टेप होते हैं, कुछ 2 स्टेप होते हैं, तो ये उसका अपने को सीक्वेंशियली पूरा डेटा देता है, उसके बारे में पूरा बताता है। क्या बताता है? डिस्क्राइबिंग द डिटेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव होना मतलब बॉन्ड ब्रेक होना और बॉन्ड फॉर्म होना, क्योंकि मैंने बताया आपको जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड पेयर होता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ठीक है। तो वो बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं, और नया बॉन्ड बन रहा है मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो मैकेनिज्म कहलाता है। एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो एनर्जी में चेंजेस आते हैं, जब भी ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पर एनर्जी में चेंज आएगा, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो आगे चल के डिटेल में देखने वाले। ओके, एंड द रेट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, जिसको काइनेटिक्स बोलते हैं। मतलब रिएक्टेंट अभी जो हमने देखा वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो क्या चेंज वहाँ पर आता है, उसको जो है हम यहाँ पर मैकेनिज्म का पार्ट कहते हैं। जैसे कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पर काइनेटिक्स, मूवमेंट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन। जैसे चूना हम पानी में डालते हैं तो अचानक हीट निकलती है, ये फास्ट रिएक्शन हो गया, लेकिन फोटोसिंथेसिस हम देखते हैं प्लांट्स में एक स्लो प्रोसेस है, तो वो स्लो रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन के अलग अलग स्पीड होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि 3 चीज़ें हैं। एक हम मैकेनिज्म में क्या देखते हैं,
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड शिफ्टिंग। दूसरा पार्ट जो हमने देखा, एनर्जी चेंजेस। जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे या फॉर्म होंगे तो एनर्जी में चेंजेस आते हैं, क्योंकि हर बॉन्ड का एनर्जी सेम नहीं होता है। ओके, थर्ड हमने क्या देखा यहाँ पर, काइनेटिक्स यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये बेसिक तीन चीजें हैं जिसको स्टडी करने को मैकेनिज्म कहा जाता है। तो आपको सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं है, कुछ रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको दिए गए हैं। तो एकदम सिंपल वे में बेसिकली अगर मैकेनिज्म बोलना रहा तो हम कैसे बोलेंगे, इट इज अ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स with the expression of change in energy and the rate means speed of the reaction. Okay, चलिए यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैं आपको बताता हूँ। ये एक रिएक्शन है, ये है यहाँ पर CH3Br यानी मिथाइल ब्रोमाइड, CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड होता है। ये एक OH माइनस इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ OH माइनस। ये OH माइनस कहाँ से आया है, ये OH माइनस फॉर एग्जाम्पल यहाँ आया है NaOH से। फॉर एग्जाम्पल क्या हम कहेंगे, ये वाटर से इसने OH लिया है, ठीक है। ये कैसे होता है ये आपको आगे चल के डिटेल में आने वाला है। तो ये Br यहाँ से निकल जाता है और OH की जगह पे आ जाता है, क्योंकि OH स्ट्रांग है और Br वीक है, तो स्ट्रांग वीक को रिप्लेस करता है और ये Br एज ए माइनस यहाँ से चला गया। तो ये था मिथाइल ब्रोमाइड, एमई शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, और ये है मिथाइल अल्कोहल। अब ये केमिकली चेंज हो गया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल चेंज। ओके, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया है। अब इसी को यहाँ पर देखिए, ये वन स्टेप में इसकी एक ही स्टेप होती है रिएक्शन की, रिप्रेजेंट किया है कि ये OH- जो वाटर से आया है ये कैसे अटैक कर रहा है CH3Br पर बैक साइड से। तो मैकेनिज्म हमको डिटेल बताता है कि अटैक भी कहाँ से हुआ है, ठीक है। और जब OH ने अटैक किया तो देखिए स्लोली OH एंटर हो रहा है और स्लोली Br बाहर निकल रहा है। इस स्टेप को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में होती है वो ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। कि कैसे यहाँ OH अटैच हो रहा है और Br बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर बताया, देखिए Br चला गया, देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, ये माइनस चार्ज दिख रहा है, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया है इस कार्बन पर, तो न्यू बॉन्ड तैयार हुआ है ये वाला। और ये Br बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। ये बताता है हमको मैकेनिज्म। नीचे देखिए यहाँ एक ग्राफ बताया, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेशन मतलब रिएक्शन प्रोसेस के कैसे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, वही रिएक्शन ऊपर वाला जो यहाँ पर। यहाँ देखिए एक ग्राफ से बताया कि एनर्जी बढ़ रही है, ये एनर्जी कौन सा है, ये स्पेशली यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट इफेक्ट से यानी उनके वाइब्रेशन से और उनके ट्रांसलेशन से एनर्जी तैयार होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हम इसको भी डिटेल में बाद में देखेंगे। तो जैसे ही OH ने CH3Br पर अटैक किया तो एनर्जी उसमें बढ़ जाती है, जो प्रेजेंट एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर आ जाती है। तो उसको यहाँ ऐसे बताते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर ये मिस हो गया है स्ट्रक्चर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये OH आ रहा है ऊपर जैसे था बिल्कुल वैसे ही CH3, और ये Br जा रहा है ये वाला। ओके, तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट में देखो इसको बताया है। फिर उसके बाद जैसे ही Br बाहर निकलता है एनर्जी एकदम कम हो गई प्रोडक्ट की और ये यहाँ पर बन गया देखिए CH3OH। तो यहाँ एनर्जी जो चेंजेस आए हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बताया डेल्टा H मतलब चेंज इन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो यहाँ 100.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी का डिफरेंस बता रहा है कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितना एनर्जी डिफरेंस है। मतलब पहले जो एनर्जी थी देखिए वो ऊपर है, अब यहाँ पर जो है वो नीचे बता रहा है। तो एनर्जी लॉस हुई, मतलब रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक। आपने पढ़ा है इसको, जो रिएक्शन में एनर्जी लॉस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो
तो ये सब डेटा जो हमको बता रहे हैं, बॉन्ड ब्रेक कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे हैं, एनर्जी चेंजेस क्या आया है यहाँ पर, ठीक है, ये सब मैकेनिज्म कहलाता है। तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और आगे बढ़ते हैं।